नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां सोमवार 8 जून 2020 को लोजपा नगर कार्यालय समस्तीपुर के प्रांगण में राजद कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन छोड़कर लोजपा का सदस्यता ग्रहण कर लिया। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज के कार्यों से प्रभावित होकर राजद कार्यकर्ताओं ने यह फैसला किया है। राजद को ठुकराकर लोजपा का दामन थामने वालों में सोनू ओबेरॉय, सुशांत झा, सोनू यादव, संजीव सिंह, रोहन सिंह, रितेश सिंह, मोहम्मद शाहनवाज, राहुल यादव, मोहम्मद धर्मान, राहुल शर्मा, नीतीश कुमार बौआ आदि शामिल हैं। लोजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि सांसद प्रिंस राज ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से प्रभावित लोगों को हर प्रकार से सहायता पहुंचाई है। दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्र छात्राओं, मजदूरों को घर तक पहुंचने में हर संभव मदद किया। मौके पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी उमा शंकर मिश्रा, युवा अध्यक्ष रविशंकर सिंह, समस्तीपुर प्रखंड अध्यक्ष नीरज भारद्वाज, राजा पासवान, राजीव दास, बंटी जयसवाल आदि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। और हम उनके जिसके सुंदर कामना करते हैं कि हमारे पार्टी का नाम रोशन करेंगे, तो हम लोग कदम से कदम मिला के चले। कितने लोग अभी आज ज्वाइन किए? 15 से 20 लोग आए हैं। यही उम्मीद से आया कि हमारे सांसद प्रिंस राज जी और चिराग पासवान के व्यक्तित्व और उनके जो आचरण है, जो कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है, उसे प्रभावित होकर हम आगे भी छोड़ने के लिए। क्या नाम हुआ? सोनू उड़ान। राजी को भी, उनको भी अवगत है, उनके उन्होंने भी उनको हम लोग कल मोबाइल पर कहें कि नहीं, जो भी कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं उनको भली बात, उनको मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। साथी जुड़ रहे हैं, युवा के जिला अध्यक्ष रविशंकर जी हैं, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नगर कार्यालय पर यहाँ बहुत से साथी जुड़े हैं युवा में, और बहुत अच्छा युवा का संगठन चल रहा है। धनराज का काम देखा सांसद जी का, उसमें विचारधारा हमको अच्छा लगा, इसी के लिए हम लोग जनसंत्री पार्टी को आज ज्वाइन किए हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे और सभी सदस्य हमारे इसमें हमारा साथ देंगे। क्या नाम हो? सुशांत झा। अभी जो समस्तीपुर बिहार सहित पूरे देश में जो कोरोना का वायरस महामारी आई, उसके चपेट में आने से हाहाकार मच गई। समस्तीपुर के सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के पासवान जी के कार्य से प्रभावित होकर समस्तीपुर के युवा, खासकर राजद सहित कई अन्य पार्टियों के लोग आज कई दिनों से लोजपा के संपर्क में थे, जिसमें से आज 1.5 दर्जन जो मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो लोक जनशक्ति पार्टी की नगर कार्यालय में आज हमारे जिला मीडिया प्रभारी उमाशंकर मिश्रा जी की उपस्थिति में, युवा अध्यक्ष रविशंकर जी, हमारे लोजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा जी की उपस्थिति में आज सदस्यता ग्रहण किए हैं, और बहुत सारे लोग माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के विचार से प्रभावित होकर, माननीय प्रिंस राज जी के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर, लॉकडाउन में दिल्ली में रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार समस्तीपुर जिला से के लोग प्रदेश में दूसरे दूसरे जगह फंसे हुए थे, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, समस्तीपुर के जिला अधिकारी, विभिन्न जहां से हो सके उनको लाभ पहुंचाने का निरंतर कार्य है। इसके खासकर युवाओं में एक उनके प्रति जो सम्मान बढ़ा, उसी से प्रभावित होकर राजद समेत कई पार्टियों के पदाधिकारीगण, खासकर मजबूत युवा कार्यकर्तागण आज लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करे हैं, और हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, और हमारे जो जिला प्रमुख नेता लोग हैं उनको अपने संगठन में जो जैसे कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान के साथ पद भी दिया जाएगा। हमारे साथ सुशांत झा जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। हमारे पार्टी के समस्तीपुर के वर्तमान सांसद श्री प्रिंस राज जी का भी आदेश है कि ऐसे युवा को
इस संगठन में जोड़ा जाए, और इनके आने से हमारे दल में मजबूती हुई है और हम लोग को पूर्ण भरोसा भी है, आशा भी है कि ऐसे युवा से हम मजबूत हो रहे हैं और हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और युवा संगठन भी मजबूत हो रहा है। हमारे युवा के जिला अध्यक्ष युवा सम्राट रविशंकर जी ये बहुत अच्छे जिला अध्यक्ष हैं और मजबूत भी हैं, इनके नेतृत्व में संगठन अच्छे धारदार बन रहा है। यही आशा भी है कि आगे भी हम सामने चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हर बूथ पर मैं अपना संगठन को बहुत से बहुत तरीके से मजबूत करूं और ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा पर हमारा चुनाव लड़ने का भी संकल्प है। हो सकता है कि समस्तीपुर में भी हमारे युवा साथी कोई लड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को